खबर अलीगढ़ से। डिफेंस कॉरिडोर में खनन माफियाओं के दो गुटों के बीच देर रात चली 18 से 20 राउंड गोलियां, युवक को लगी 7 गोलियां, हालत गंभीर। जी हां, इलाका पुलिस सोती रही, उधर खनन को लेकर डिफेंस कॉरिडोर पर ताबड़तोड़ फायरिंग होती रही। जनपद अलीगढ़ के थाना खैर इलाके में खनन माफियाओं के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका अंदाजा इसी से ही लगाया जा सकता है कि अंडला स्थित डिफेंस कॉरिडोर में खनन करने को लेकर खनन माफियाओं के दो गुट आमने सामने आ गए और देखते ही देखते दोनों गुटों के बीच 18 से 20 राउंड ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। डिफेंस कॉरिडोर में खनन को लेकर दो गुटों के बीच हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में से 6 से 7 गोली लगने के चलते जेसीबी मशीन के पास हो रहा एक युवक खून से लथपथ होते हुए जमीन पर गिर पड़ा और गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दौरान हमलावरों द्वारा की जा रही ताबड़तोड़ फायरिंग को देखें तो मौके पर सो रहा एक युवक अपनी जान बचाकर घटनास्थल के पास छुप गया और पूरे नज़ारे को अपनी आंखों से देखता रहा। हमलावर जब मौके से फरार हो गए तो उसके द्वारा गोली लगने के चलते खून से लथपथ पड़े घायल युवक को आनन फानन में उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। वहीं फायरिंग की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस घटनास्थल का मौका मुआयना करते हुए मामले की जांच पड़ताल कर तफ्तीश में जुटी है। वहीं खनन को लेकर दो गुटों के बीच हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में कई गोलियां लगने के बाद खून से लथपथ गंभीर रूप से घायल युवक पीयूष कुमार सारस्वत का आरोप है कि वो डिफेंस कॉरिडोर पर अपने मशीन के पास सोया हुआ था, जबकि उसके चाचा विवेक सारस्वत उसके साथ पार्टनरशिप में काम करते हैं। आरोप है कि तभी नितिन और उसके भाई नरेंद्र ने मौके पर पहुँचते ही उसके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। नितिन और उसके भाई द्वारा उसके ऊपर की गई ताबड़तोड़ फायरिंग में 4 गोलियां उसके शरीर में जा धंसी। दोनों भाइयों के द्वारा उसको 4 गोलियां मारी हैं। वारदात को अंजाम देकर दोनों भाई मौके से फरार हो गए। पीयूष कुमार सारस्वत गोली लगने से घायल युवक। आपको बताते चले कि थाना खैर क्षेत्र के नई तहसील निवासी प्रत्यक्षदर्शी सचिन का कहना है कि डिफेंस कॉरिडोर पर दो गुटों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग किए जाने की वारदात देर रात करीब 12 बजे की है। बताया जा रहा है कि देर रात वो डिफेंस कॉरिडोर पर जेसीबी मशीन के पास सोया हुआ था। उसी दौरान ब्लॉक कॉलोनी निवासी नितिन, उसका भाई नगेंद्र और खैर क्षेत्र के गांव पप्पू प्रधान का बेटा सुमित सहित लक्ष्मणगढ़ निवासी युवक मुकुल हथियारों के साथ लैस होकर उनके पास मौके पर पहुंचे। आरोप है कि हथियारों से लैस होकर मौके पर पहुंचे चारों नामजद लोगों के द्वारा उनको जगा कर पहले तो हवाई फायरिंग की, जिसके बाद पीयूष सारस्वत को जगा कर उसके ऊपर गोलियां चलानी शुरू करते हुए उसके शरीर पर कई गोलियां मारते हुए छलनी कर दिया। इस दौरान दबंग लोगों के द्वारा देर रात मौके पर पहुंचकर की जा रही फायरिंग को देख वो सहम गया और डर के चलते अपनी जान बचाते हुए मौके पर छुप गया और सारे नज़ारे को अपनी आँखों से देखता रहा। हमलावर चारों लोग वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद कई गोली लगने के चलते खून से लथपथ घटनास्थल पर पड़े पीयूष कुमार सारस्वत को उसके द्वारा उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया और घटना की सूचना फ़ोन कर पुलिस को दी। दबंग लोगों के द्वारा डिफेंस कॉरिडोर पर पहुंचकर देर रात जेसीबी मशीन के पास सो रहे युवकों पर की गई ताबड़तोड़ फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँच गई। वहीं सचिन का आरोप है कि हमलावरों के द्वारा करीब 18 से 20 राउंड ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें 6 से 7 गोलियां पीयूष कुमार सारस्वत को लगी हैं। 6 से 7 गोली लगने के चलते उसकी छाती और शरीर गोलियों से छलनी हो गया। वहीं उसकी हालत गंभीर बनी हुई है, जिसका उपचार के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार लगातार जारी है। क्षेत्राधिकारी खैर राजीव कुमार द्विवेदी का कहना है कि थाना खैर क्षेत्र के गाँव अंडला में ठेकेदारी को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें एक युवक को गोली लगने से घायल हो गया। घायल युवक को चिकित्सा सहायता हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि घायल युवक के परिवारजनों से तहरीर प्राप्त कर ली गई है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी करते हुए विधिक कार्रवाई की जाएगी। बोलो बोलो, ब्लीडिंग है युवक। हाँ बोलो। अस्पताल है, अस्पताल। मैं अपने डिफेंस कॉरिडोर पर अपनी मशीन के पास सो रहा था, जो मेरे चाचा के नाम पे विवेक सारस्वत हैं, जो मेरे पार्टनर भी विवेक शर्मा। हाँ भैया। मेरे में नितिन और नगिन दोनों भाइयों ने आके 4 गोलियां मारी हैं। 4 गोलियां मेरे को लगी हैं। ये लगा दिया थाने पे, लगा कर गया वहां 4 गोलियां लगा थाने पे लगा। क्या नाम है तुम्हारा? सचिन। कहाँ के रहने वाले हो? खैर नई तहसील।
अच्छा, क्या घटना हुई थी और किस समय हुई थी? घटना रात 12 बजे के लमसम हुई है। हम यहाँ सो रहे हैं अपनी ऑफिस में, अपनी जेसीबी वाहन में। कौन सी जगह ये? ये डिफेंस कॉरिडोर अंडला के पास। अच्छा, यहाँ सो रहे कुछ आदमी आए, जो चार लोग हमने पहचान लिए। क्या नाम है उन चारों? उसमें नगिन और उसका नगिन का भाई नितिन, जो ब्लॉक कॉलोनी में रहते हैं, और एक कुमरपुर का है वो सुमित, जो पप्पू प्रधान जी का लड़का है, और जी एक वो है एक लक्ष्मणगढ़ी का है मुकुल, एक मुकुल लक्ष्मणगढ़ी का है। फिर क्या हुआ? आते ही जगाए हम, जगाते ही उन्होंने कुछ पहले फायरिंग करी, उसके बाद जो पीयूष कुमार सारस होते हैं उन पर तुरंत गोली चला दी। मैं गोली की आवाज़ सुनते ही उन पर जैसे ही गोली लगी, मैं तुरंत साइड में हट के छुप के अपनी जान बचा ली। उसके बाद जब वो वहाँ से चले गए तो मैं तुरंत उन्हें हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल में मैंने पुलिस को सूचना दी, दो दिन थाने से भी मेरे हमारे साथ दो पुलिस वाले गए, उसके बाद खैर पुलिस भी आ गई। घटना यही है। तो आरोपी मौके से फरार हो गया? आरोपी मौके से फरार हो गए धमकी देते हुए। कितनी गोली चली टोटल? गोली चली 15 से 20 गोली। कितनी गोली लगी है? 6 से 7 गोली उनके लगी हुई है। अब कहाँ पर है वो? छाती वाती में लगी हुई है। अब कहाँ पर? भाई मेडिकल में गंभीर हालत है अभी, और बाकी ऑपरेशन होगा। पीयूष कहाँ का रहने वाला है? पीयूष कुमार कीरतपुर ने माना। आज दिनांक 25/7/2023 को सूचना प्राप्त हुई कि थाना खैर क्षेत्र के अंडला गांव में दो पक्षों में ठेकेदारी को लेकर के विवाद हो गए, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल व्यक्ति को तत्काल चिकित्सीय सहायता हेतु मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया तथा परिजनों से तहरीर प्राप्त कर ली गई है। जल्द ही नामित अभियुक्तगण नितिन नगिन इत्यादि की गिरफ्तारी करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ से संदीप शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़।